नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। आज सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं अनन्या जामवाल से। अनन्या जामवाल कश्मीर में मेडिकल की स्टूडेंट है। भारत पाकिस्तान मैच के दिन अनन्या ने जब सोशल मीडिया पर देखा कि उनके ही कॉलेज में यानी कि स्किम्स में भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने फौरन जाकर के सोशल मीडिया पर लिखा कि ये कैसे हो सकता है कि भारत के ही कॉलेज में पढ़ने वाले डॉक्टर की ट्रेनिंग वाले लोग पाकिस्तान के तरफ ना सिर्फ नारे लगा रहे हैं पर पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी गा रहे हैं। बस इतना ही उनका कहना था। उसके बाद से लगातार एक के बाद एक उनको ना सिर्फ जान की धमकियां मिल रही हैं बल्कि उनके खिलाफ ऐसी ऐसी चीजें कही जा रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें बोली जा रही हैं जिनको कहना तो दूर, हम आपको टीवी पर दिखा भी नहीं सकते। यहां तक उनको पुलिस का इन्फॉर्मर बता करके ये कहा गया कि जल्द ही उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अनन्या जामवाल नए जम्मू कश्मीर की बेटी हैं, ना वो आज भी डरी हैं ना वो टूटी हैं। वापस लगातार जा करके धमकी देने वालों के खिलाफ जंग छेड़ रही हैं। आज हम बात करेंगे अनन्या जामवाल से और हमारे साथ अब अनन्या खुद जुड़ गई हैं। अनन्या, पहले ये बताइए कि आपको किस तरीके की धमकी मिल रही है। जी मैम, जब से वो लोग वीडियोस वायरल हुए हैं ऑफ पीपल सेलिब्रेटिंग, उन्होंने सेलिब्रेट किया है और नेशनल एंथम गाया है पाकिस्तान का इनसाइड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। आई एम, मैं एक एक्स स्कीम स्टूडेंट हूँ और मैंने सेकेंड ईयर में GMC जम्मू में माइग्रेट कर लिया था जस्ट बिकॉज मैं एक एक्स स्टूडेंट हूँ स्कीम्स की। और मैंने अपने देश के लिए अपनी आवाज़ उठाई कि ऐसा अपने देश में रह के कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकता और पाकिस्तान का नेशनल एंथम नहीं बोल सकता। जस्ट बिकॉज इस वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है और मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर मैंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की तो वहाँ पे जो मेरे नॉन लोकल स्टूडेंट्स हैं, जो GMC श्रीनगर एंड स्कीम्स में जो नॉन लोकल स्टूडेंट्स हैं, उनकी सेफ्टी पर बात आएगी, उनके करियर पे बात आएगी, उनको MBBS में सप्लीस दी जाएंगी। और एक ट्विटर हैंडल जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है, उसने मेरी फ़ोटो एंड डॉक्टर मोनिका लंगे की फ़ोटो, जिन्होंने वीडियो को शेयर किया था ट्विटर पर, उनकी फ़ोटो डाल के उन्होंने एक ओपन थ्रेट दी है हमें कि वी आर नॉट सेफ एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सब और काफ़ी अब्यूजिव मैसेजेस आ रहे हैं मुझे हर जगह से, लेकिन काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है मुझे पूरे भारत से और मैं बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि पूरा भारत आज मेरे साथ खड़ा है, मेरी आवाज़ को और ऊंचा उठा रहा है और आवाज़ को और मजबूत बना रहा है। आपने क्यों अपनी आवाज़ उठाई सोशल मीडिया पर जब आपने ये वीडियोज देखे, क्योंकि आप भी उस कॉलेज में ही पढ़ी हैं, पर आपके जहन में क्या चल रहा था? जी मैम, मैं स्किम्स में 2 साल रही हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे हम नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वहाँ पे कभी नहीं बोल पाए, वहाँ पे रह के हम ओपनली कभी एक प्राउड इंडियन फील नहीं कर पाए। और वो वीडियो देख के GMC श्रीनगर की लड़कियाँ जहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल एंथम इतनी खुशी से, इतने ज़ोर ज़ोर से पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के लगा रही है, उसे देख के मैम जो एक एग्रेशन मेरे अंदर था उसको मैंने सोशल मीडिया पर निकाला एंड आई रेज्ड माय वॉइस। मैंने बहुत सारी वीडियोस को शेयर किया एंड व्हेन पीपल गॉट टू नो कि मैं एक एक्स स्टूडेंट हूँ स्कीम्स की, उन्हें ये लगा कि मैंने वो वीडियोस वायरल किए, जबकि मेरा इन वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैंने कोई FIR लॉन्च की है, ना ही मैंने कोई लोग एक्सपोज किए हैं। द अथॉरिटीज हैव टेकन एक्शन एंड द अथॉरिटीज हैव रिवील्ड द आइडेंटिटी ऑफ दोज पीपल जो उन वीडियोज में थे। उसके बाद आप पर प्रेशर आया, आपको धमकी मिली? जी हाँ जी। और क्या ये भी कहा गया कि आपको ये इस तरीके की जो आपने बातें बोली हैं वो वापस लेनी चाहिए? क्या कभी आपने रिग्रेट किया कि आपने अपनी आवाज इस तरह से उठाई? बिल्कुल नहीं मैम, रिग्रेट तो कभी नहीं रहा और ना ही होगा कभी, क्योंकि पूरा भारत एक साथ खड़ा है और रिग्रेट की कोई बात ही नहीं है। रही बात मैम प्रेशर की, तो वो तो मैं अभी भी झेल रही हूँ और मेरी फैमिली भी झेल रही है,
लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं आगे आऊँ और इस बात को पूरे देश के सामने रखूँ कि वहाँ पे कैसा माहौल है, वहाँ पे कैसा हमारे जो नॉन लोकल स्टूडेंट्स ऑफ स्कीम्स और नॉन लोकल स्टूडेंट्स ऑफ जेएमसी श्रीनगर हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो वहाँ पे सेफ नहीं है। एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक थ्रेट वायरल हो रही है कि वो लोग सेफ नहीं है और हमें 48 आवर्स के अंदर अपने वर्ड्स वापस लेने चाहिए। और ये बहुत अजीब बात है कि आप खुद जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं पर आपको जो थ्रेटन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नॉन लोकल्स यहाँ पर उनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ जाएंगे। कौन है ये लोग जो कि डिसाइड करेंगे कि लोकल कौन है और नॉन लोकल कौन है, बोलने का हक किसको है और बोलने का हक किसको नहीं है? जी मैम, नॉन लोकल का तो पता ही है, लेकिन मुझे भी आउटसाइडर का टैग दे दिया गया है, जबकि आई एम अ डोगरा एंड आई एम अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड आई एम अ प्राउड इंडियन। आई हैव द राइट टू रेज माई वॉइस एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट। आखिर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो सब लोग इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक गेम की ही बात है, इसमें बच्चे ही तो हैं, उनके खिलाफ ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है? मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने तक जो एक्शन है उसके खिलाफ आवाज उठाई है, उन सबको आखिर में आप क्या कहना चाहती हैं? मैम, उन सब के लिए मेरे एक यही मैसेज है कि अगर हम लोगों ने अपनी आवाज अभी नहीं उठाई तो आने वाले कुछ सालों में हमारी आवाज ऐसे ही दबाई जाएगी और ये लोग गवर्नमेंट के पैसों से फ्री के MBBS डिग्रियां करके मजे लेते रहेंगे। हम लोग इनको नहीं ट्रस्ट कर सकते। जो लोग अपने देश के साथ नहीं खड़े हैं वो अपने देश के लोगों को कैसे ट्रीट करेंगे? वो अच्छे डॉक्टर बन के अपने देश के लोगों को कैसे सर्व कर सकते हैं? हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले उन लोगों के खिलाफ जो लोग इस वीडियो में इन्वॉल्व है और जो इस सेलिब्रेट में इन्वॉल्व है और जो लोग इन प्रो पाक स्लोगन्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, वो आप उनको अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाए जाने पर कुछ मैसेज देंगी? यस ना मैम, एक लाइन से मैं ये बोलना चाहूंगी कि अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं, ये दुनिया इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनन्या हमसे बात करने के लिए। थैंक। ऐसे मौके पर जरूरत है कि पूरा देश अनन्या और अनन्या जैसी जो आवाजें हैं उनके पीछे खड़े हो, उनको सशक्त बनाए, क्योंकि अगर ये आवाजें दब जाएंगी जैसे अनन्या ने खुद बोला तो फिर कभी उनको सर उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाना, अगर जीवे जीवे पाकिस्तान बोलना अभिव्यक्ति की आजादी है तो फिर अनन्या को भी इनके खिलाफ आवाज उठाने की उतनी ही आजादी है। फिर उन्हें पुलिस का इन्फॉर्मर क्यों बोला जाए? क्यों उनको बार बार यह धमकी दी जाए कि तुम बाहरी लोग हो, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तुम पुलिस के इन्फॉर्मर हो? यही ये तस्वीर है जिसके खिलाफ लगातार पूरे भारत को एक सुर पर बोलते रहना पड़ेगा। प्रदीप दत्ता मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। ये बेहद डराने वाली तस्वीर है प्रदीप, कि कोई भी अगर अपनी आवाज उठाता है सिर्फ ये कहने के लिए कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हमें इतना तो हक है कि हम ये बोल पाए कि हमारे देश में जो चल रहा है हमें वो सही नहीं लगता। अनन्या को जो धमकी मिल रही है उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है? देखिए पद्मजा, पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूं इस बहादुर लड़की को जिसने आवाज उठाई है एंटी इंडिया फोर्सेस के खिलाफ, और मेरे ख्याल से ये एग्जांपल सेट किया है महबूबा मुफ्ती। एक तरफ देखिए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जो जस्टिफाई कर रही है सेलिब्रेशन को और देखिए किस तरीके से पॉलिटिकल रंगत देने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ ये बहादुर लड़की है जो कहती है कि आप सब्सिडाइज्ड एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स के मनी पे हासिल कर रहे हैं, भारत के खिलाफ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कि आप नारे लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे और उनका नेशनल एंथम गाएंगे
मैं आवाज उठाऊंगी, उसके लिए मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जिसके पास 24 घंटे 365 दिन सिक्योरिटी होती है, बिना सिक्योरिटी के अगर ये लड़की बोल सकती है तो महबूबा मुफ्ती को कौन सी चीज है बोलने से रोक रही है। दूसरी चीज, उमर अब्दुल्ला अक्सर ट्वीट करते हैं, आज देखिए पूरे दिन में कोई ट्वीट नहीं है। अनन्या जम्वाल के लिए एक भी लफ्ज नहीं बोला है उमर अब्दुल्ला ने। क्या यह जम्मू कश्मीर की बेटी नहीं है? कोई उमर अब्दुल्ला से पूछे क्यों ये हिंदू है इसलिए नहीं आप बोलेंगे? क्यों ये इंडिया के लिए बात कर रही है इसलिए नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपकी अपीसमेंट पॉलिसी, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के उनको गुड ह्यूमर में रखना। और तीसरा, सिविल सोसाइटी साइलेंट क्यों है? यही सवाल 4-5 रोज पहले एक सेमिनार के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों ने उठाया था। का 47 में भी मेजोरिटी साइलेंट रही, 90 में भी जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ उस वक्त भी यह साइलेंट रही, 2016 में भी यह साइलेंट थी जब बुरहान वानी मारा गया, उसके बाद स्कूल जला दिए, 4 महीने तक कोई काम नहीं हुआ। और अब जब हिंदुओं को मारा जा रहा है, सिखों को मारा जा रहा है, अनन्या जैसी लड़की को धमकाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, तब भी सिविल सोसाइटी साइलेंट है। कब तक साइलेंट रहेंगे? बोलेंगे क्यों नहीं? और सबसे क्यों नहीं बोलेंगे? सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जो जो धमकियां मिल रही है प्रदीप, अनन्या को सोचिए, वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, डोगरा है, इसके बावजूद कुछ लोगों की यह हिमाकत है कि उनको यह कह के धमका रहे हैं कि तुम बाहरी हो और इसीलिए तुम पुलिस की इंफॉर्मर हो और इसीलिए अब तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, मैं एक बात अक्सर कहता हूं, जब से यह शुरू हुआ है कि हिंदुओं को टारगेट करना, सिखों को टारगेट करना, गैर कश्मीर, मैं हमेशा ये एक बात कहता हूँ कि कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये कश्मीर उतना ही अनन्या का है जितना उनका है। इसलिए कोई अनन्या को ये धमकाए कि आप बाहर से आई हैं और आप ऐसा करिए, उससे आवाज़ उठाइए, देश के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि कोई भी भारतवासी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके देश को भला बुरा कहा जाए और उस मुल्क की तारीफ की जाए जो मुल्क रिस्पॉन्सिबल है डेथ और डिस्ट्रक्शन के लिए, जो मुल्क रिस्पॉन्सिबल है कश्मीरियों के खून के लिए, जो मुल्क रिस्पॉन्सिबल है हमारे बहादुर जवानों को मार गिराने के लिए। आप देखिए कितने लोगों को पिछले 3 दशक में अगर देखिए मार गिराया है, मेरे ख्याल से 50,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं जिसमें कई कश्मीरी हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और देखिए प्रदीप, 2 दिन के अंदर एक छोटी सी बच्ची, सिर्फ कॉलेज जाने वाली बच्ची है, वो लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का राष्ट्रगान गा रहे हैं वो तो बच्चे हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों हो? और इस बच्ची के खिलाफ जब जान की धमकी आए तो किसी को सुध लेने का वक्त नहीं है। और महज 24 घंटे के अंदर ना सिर्फ उसको धमकियां मिलती हैं, ना सिर्फ उसके खिलाफ ऐसी भद्दी भद्दी बातें बोली जाती हैं, बल्कि एक आतंकवादी संगठन यहां तक उसको बोल देता है कि पुलिस इन्फॉर्मर्स तुम सतर्क रहो, तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं इस वक्त, मेजर अमित बंसल। मेजर बंसल, क्या आपको जरा सा भी ताज्जुब होता है ये देखकर कि किस तरीके से सिर्फ जो सिविलियंस हैं, जो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ एक तरीके का कंसर्टेड ऑनलाइन प्रोपेगेंडा अटैक्स वर्बल किए जा रहे हैं, कैसे होता है? पद्मजा, हमें इन अटैकों की डिटेल में जाना पड़ेगा। और अगर आप ये सारे ट्विटर हैंडल्स को देखते हैं और आप इन सारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि सारे के सारे स्टेटमेंट एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं, पाकिस्तान। मैं एक घटना का आपको याद दिलाना चाहूंगा। कुछ महीने पहले लगभग जून में फेसबुक ने 100 से ज्यादा ऐसे अकाउंटों को ब्लॉक किया था जो कि झूठे अकाउंट थे और भारत के खिलाफ और देशों के खिलाफ पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे और उनका डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तानी ISI के साथ था। तो इससे एक क्लियर लिंक एस्टेब्लिश होता है कि सारे मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन को कौन चला रहा है। दूसरी बात, पाकिस्तान इस प्रकार के कैंपेन को चलाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, चाहे उसकी रेपो बनाने के लिए हो, चाहे एंटी इंडिया हो, चाहे कश्मीर इशू हो। तो इस तरह की जो थ्रेट दिए जा रहे हैं वो बहुत निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें इसकी जड़ को समझना होगा, पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन कैंपेन को समझना होगा। बिल्कुल मेजर बंसल, मैं आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन अलग अलग लेवल्स पर चलता है। लोगों को डराना धमकाना, जो प्रो इंडिया आवाजें होती हैं उनको दबाना, उनको लगातार जान की धमकियां देना, एक तरीके से पूरी जो बुलिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है और साथ ही साथ इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये सब हमने पिछले 24 घंटे में इसकी पड़ताल की है। पर एक बार फिर से मैं उस जम्मू कश्मीर की बहादुर बेटी की आवाज आपको सुनाना चाहती हूं, एक बार फिर से सुनिए कि ये सारी धमकियां मिलने के बावजूद भी आज अनन्या क्यों कह रही हैं
कि मैं बोलूंगी और बोलती रहूंगी। और हमारे साथ अब अनन्या खुद जुड़ गई हैं। अनन्या, पहले ये बताइए कि आपको किस तरीके की धमकी मिल रही है। जी मैम, मैम जब से वो लोग वीडियोस वायरल हुए हैं ऑफ पीपल सेलिब्रेटिंग, उन्होंने सेलिब्रेट किया है और नेशनल एंथम गाया है पाकिस्तान का इनसाइड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। आई एम, मैं एक एक्स स्कीम स्टूडेंट हूँ और मैंने सेकेंड ईयर में GMC जम्मू में माइग्रेट कर लिया था जस्ट बिकॉज मैं एक एक्स स्टूडेंट हूँ स्कीम्स की, और मैंने अपने देश के लिए अपनी आवाज़ उठाई कि ऐसा अपने देश में रह के कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकता और पाकिस्तान का नेशनल एंथम नहीं बोल सकता। जस्ट बिकॉज इस वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है और मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर मैंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की तो वहाँ पे जो मेरे नॉन लोकल स्टूडेंट्स हैं, जो GMC श्रीनगर एंड स्कीम्स में जो नॉन लोकल स्टूडेंट्स हैं, उनकी सेफ्टी पर बात आएगी, उनके करियर पे बात आएगी, उनको MBBS में सप्लीस दी जाएंगी। और एक ट्विटर हैंडल जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है, उसने मेरी फ़ोटो एंड डॉक्टर मोनिका लंगे की फ़ोटो, जिन्होंने वीडियो को शेयर किया था ट्विटर पर, उसकी उनकी फ़ोटो डाल के उन्होंने एक ओपन थ्रेट दी है हमें कि वी आर नॉट सेफ एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सब और काफ़ी अब्यूजिव मैसेजेस आ रहे हैं मुझे हर जगह से, लेकिन काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है मुझे पूरे भारत से, और मैं बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि पूरा भारत आज मेरे साथ खड़ा है, मेरी आवाज़ को और ऊंचा उठा रहा है और आवाज़ को और मजबूत बना रहा है। आपने क्यों अपनी आवाज़ उठाई सोशल मीडिया पर जब आपने ये वीडियोज देखे, क्योंकि आप भी उस कॉलेज में ही पढ़ी हैं, पर आपके जहन में क्या चल रहा था? जी मैम, मैम मैं स्किम्स में 2 साल रही हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे हम नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वहाँ पे कभी नहीं बोल पाए, वहाँ पे रह के हम ओपनली कभी एक प्राउड इंडियन फील नहीं कर पाए। और वो वीडियो देख के GMC श्रीनगर की लड़कियाँ जहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल एंथम इतनी खुशी से, इतने ज़ोर ज़ोर से पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के लगा रही है, उसे देख के मैम जो एक एग्रेशन मेरे अंदर था उसको मैंने सोशल मीडिया पर निकाला एंड आई रेज्ड माय वॉइस। मैंने बहुत सारी वीडियोस को शेयर किया एंड व्हेन पीपल गॉट टू नो कि मैं एक एक्स स्टूडेंट हूँ स्कीम्स की, उन्हें ये लगा कि मैंने वो वीडियोस वायरल किए, जबकि मेरा इन वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैंने कोई FIR लॉन्च की है, ना ही मैंने कोई लोग एक्सपोज किए हैं। द अथॉरिटीज हैव टेकन एक्शन एंड द अथॉरिटीज हैव रिवील्ड द आइडेंटिटी ऑफ दोज पीपल जो उन वीडियोज में थे। उसके बाद आप पर प्रेशर आया, आपको धमकी मिली? जी मैम जी। और क्या ये भी कहा गया कि आपको ये इस तरीके की जो आपने बातें बोली हैं वो वापस लेनी चाहिए? क्या कभी आपने रिग्रेट किया कि आपने अपनी आवाज इस तरह से उठाई? बिल्कुल नहीं मैम, रिग्रेट तो कभी नहीं रहा और ना ही होगा कभी, क्योंकि पूरा भारत एक साथ खड़ा है और रिग्रेट की कोई बात ही नहीं है। रही बात मैम प्रेशर की, तो वो तो मैं अभी भी झेल रही हूँ और मेरी फैमिली भी झेल रही है, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं आगे आऊँ और इस बात को पूरे देश के सामने रखूँ कि वहाँ पे कैसा माहौल है, वहाँ पे कैसा हमारे जो नॉन लोकल स्टूडेंट्स ऑफ स्कीम्स और नॉन लोकल स्टूडेंट्स ऑफ GMC श्रीनगर हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो वहाँ पे सेफ नहीं है। एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक थ्रेट वायरल हो रही है कि वो लोग सेफ नहीं है और हमें 48 आवर्स के अंदर अपने वर्ड्स वापस लेने चाहिए। और ये बहुत अजीब बात है कि आप खुद जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं पर आपको जो थ्रेटन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नॉन लोकल्स यहाँ पर, उनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ जाएंगे। कौन है ये लोग जो कि डिसाइड करेंगे कि लोकल कौन है और नॉन लोकल कौन है, बोलने का हक किसको है और बोलने का हक किसको नहीं है? जी मैम, नॉन लोकल का तो पता ही है, लेकिन मुझे भी आउटसाइडर का टैग दे दिया गया है, जबकि आई एम अ डोगरा एंड आई एम अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड आई एम अ प्राउड इंडियन। आई हैव द राइट टू रेज माई वॉइस एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट। आखिर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो सब लोग इस जिसको डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक गेम की ही बात है, इसमें बच्चे ही तो हैं, उनके खिलाफ ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है? मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने तक जो एक्शन है उसके खिलाफ आवाज उठाई है, उन सबको आखिर में आप क्या कहना चाहती हैं?
मैम उन सब के लिए मेरा एक यही मैसेज है कि अगर हम लोगों ने अपनी आवाज़ अभी नहीं उठाई तो आने वाले कुछ सालों में हमारी आवाज़ ऐसे ही दबाई जाएगी और ये लोग गवर्नमेंट के पैसों से फ्री के MBBS डिग्रियां करके मज़े लेते रहेंगे। हम लोग इनको नहीं ट्रस्ट कर सकते। जो लोग अपने देश के साथ नहीं खड़े हैं वो अपने देश के लोगों को कैसे ट्रीट करेंगे? वो अच्छे डॉक्टर बन के अपने देश के लोगों को कैसे सर्व कर सकते हैं? हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले उन लोगों के खिलाफ जो लोग इस वीडियो में इन्वॉल्व है और जो इस सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व है। और जो लोग इन प्रो पाक स्लोगन्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, वो आप उनको अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाए जाने पर कुछ मैसेज देंगी? यस ना मैम, एक लाइन से मैं ये बोलना चाहूंगी कि अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं, ये दुनिया इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनन्या हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। विश्वास करने में मुश्किल होती है कि जिसको धमकी दी जा रही हो वो फिर भी इतनी बेबाकी से ऐसे कैसे बोल सकती है। प्रदीप, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं यही कहना चाह रहा था, देखिए बेबाकी से आप बात कर रहे हैं, देखिए अनन्या इसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती जिसके पास 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, लेकिन वो भारत के लिए बात नहीं करेगी, पाकिस्तान को के लिए बात करेगी। और देखिए ये वही सैफुद्दीन सोज है जो पाकिस्तान उन टेररिस्ट को कह रहा था ये बच्चे हैं इनसे बातचीत करनी चाहिए। आज सैफुद्दीन साहब से कोई पूछे कि ये क्या भारत की बच्ची नहीं, ये जम्मू कश्मीर की बच्ची नहीं, इसके लिए आपने एक भी लफ्ज़ नहीं बोला। और कोई महबूबा मुफ्ती से पूछे आप बात करती हैं, आप तो हमारी पहली औरत चीफ मिनिस्टर रही, तो आपने क्यों नहीं? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे डिसइंफॉर्मेशन कंपेन, परेशानी डिसइंफॉर्मेशन कंपेन की नहीं है, पाकिस्तान तो अपना काम करता रहेगा हमें मालूम है। देखिए एक तो आउटसाइडर कोई अगर है जम्मू कश्मीर में तो वो पाकिस्तान से भेजा हुआ आतंकवादी है जो आउटसाइडर है, और दूसरा खामोशी परेशानी है, खामोशी की, साइलेंट मेजोरिटी की खामोशी की, जो आज भी लफ्ज उठाने से कतराता है, खामोशी उन सियासतदानों की जो आज भी इन बच्चों के लिए नहीं बोल रहा है, खामोशी उन लोगों की जो आज भी पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान की बंदूक आज हमको इनको किसी और को निशाना बना रही है, कल उनको भी निशाना बनाएगी। ये साइलेंस, मैं हमेशा कहता हूं ये क्रिमिनल साइलेंस है और ये गन वायलेंस से भी ज्यादा डेंजरस है। बिल्कुल प्रदीप और कैप्टन बंसल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक एक करके किस तरीके से कोई भी प्रो इंडिया वॉइस को दबाया जाता है और एंटी इंडिया जो आवाजें हैं उनको लगातार एम्पलीफाई किया जाता है, वो हमने आपको टाइम्स ऑफ नवभारत पर बताया है। 75 साल पहले कश्मीर से खदेड़े गए पाकिस्तान का 5 दिन पहले फिर से कश्मीर एजेंडा शुरू हो गया। पाकिस्तान ने आज ब्लैक डे मनाने के लिए दुनिया भर में अपने सभी दूतावासों को चिट्ठी लिखी। आदेश यह था कि दुनिया भर में भारतीय दूतावासों के सामने ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन किए जाएं। इसके लिए पाकिस्तान ने स्पेशल फंड्स भी दूतावासों को भेजे। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए पाकिस्तानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा अखबारों का, टीवी चैनलों का भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटे। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का मंच बना दिया। पाकिस्तान की इसी बड़ी साजिश का सबूत आपको हम सुबह से दिखा रहे हैं। नाउ नवभारत ने पाकिस्तान में बेल्जियम एम्बेसी से एक डॉक्यूमेंट एक्सेस किया है, और ये डॉक्यूमेंट नहीं एक पूरी साजिश है जो पाकिस्तान की तरफ से रची गई है, साजिश का टूल किट है जिसमें एक एक प्लान है। हमने जो भी कहा पाकिस्तान के इशारे पर ठीक वैसा ही किया जा रहा। टाइम्स नाउ नवभारत ने पाकिस्तान ने बेल्जियम एम्बेसी से एक डॉक्यूमेंट हासिल किया। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि साजिश का पूरा टूलकिट है जिसमें भारत में नफरत फैलाने, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का एक एक प्लान दर्ज है। प्लान 27 अक्टूबर यानी आज को लेकर, प्लान पूरे विश्व में भारत के खिलाफ ब्लैक डे मनाने का। इसकी बड़ी जबरदस्त कोशिश है कि हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए दुनिया भर में प्रोपेगेंडा उछाले, चाहे वो UN हो चाहे हर फोरम में वो हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है। एक तरफ तो कंगाली की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद बड़े पैमाने पर वो लोगों को पैसा देता है हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए, हिंदुस्तान को लेट डाउन करने के लिए,
हिंदुस्तान को झूठा बताने के लिए और हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए। 22 अक्टूबर को ब्रुसेल्स में पाकिस्तान के दूतावास को ये साजिश का टूलकिट पहुंचा, जिसका रिप्लाई वहां के दूतावास ने किया, जिसमें 27 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाने का जिक्र है। ब्लैक डे पर क्या क्या करना है वो भेजा गया। इसमें जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर सामग्री बांटने का जिक्र है। उल्लंघन हुआ हो या ना हुआ, लेकिन फर्जी तस्वीर बनाओ, दुनिया भर में बांटो। बेल्जियम की मीडिया में फर्जी आर्टिकल बांटना है, यूरोपीय कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कैंप करना है, ब्रसेल्स में भारतीय दूतावास के सामने प्रोटेस्ट करना है, कश्मीर पर सेमिनार का आयोजन करना है, लोगों तक गलत मैसेज पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना। ऐसे ही संदेश पाकिस्तान की सरकार ने दुनिया के कई देशों को भेजे। इसमें पाकिस्तानी नेताओं के भाषण और कश्मीर पर उनकी स्पीच को वायरल करने का प्लान शामिल है। हैरानी की बात है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पैसों के लिए यहाँ वहाँ हाथ फैलाते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ दुनिया भर में दुष्प्रचार करने के लिए पाकिस्तान के पास बहुत पैसे। आज ब्लैक डे मनाने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तान ने अपने सभी दूतावासों को लिखा कि भारतीय दूतावासों के सामने ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन किए जाएं। इसके लिए पाकिस्तान ने स्पेशल फंड्स भी दूतावासों को भेजे और कहा कि भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी कराई जाए। पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो इस स्तर की पहुंच गई है कि वो पाकिस्तान जो कि गधे भैंसे बेच के अपने एयरपोर्ट्स को गिरवी रख के पैसा लेके वो अपना गुजारा कर रहा है और उस पैसे को अपनी अवाम के ऊपर खर्चने के बजाय वो टेररिज्म को फैलाने में लगा हुआ है। चाहे उस पाकिस्तान टूट जाए उसको ये घबराहट नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान को नीचे दिखाना है, कश्मीर में यहाँ पर जो है खून खराबा करना है, आम लोगों को मारना है, गरीबों को मारना है, जो कि वह उनको भी टेररिस्ट को भी वो पैसा देता है। तो ऐसा पाकिस्तान जो दुनिया में बिल्कुल आइसोलेट पड़ा है। 27 अक्टूबर दरअसल पाकिस्तान के लिए नासूर जैसा है। इसी दिन भारतीय सेना कश्मीर को पाकिस्तानी कबाइलियों से आजाद कराने के लिए श्रीनगर पहुंची थी। भारत की वीर जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए कबाइलियों को मार गिराया। तब से पाकिस्तान के लिए 27 अक्टूबर ब्लैक डे है। इस बार इस ब्लैक डे को मनाने के लिए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपने दूतावासों के जरिए एक भारी भरकम फंड और साजिश का प्लान बनाकर भेजा है। दिस इज क्रिस्टल क्लियर दैट द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हु इज हैविंग द बैगिंग बाउल इन हिज हैंड गोइंग टू द अरब कंट्रीज एंड चाइना एंड सीकिंग द फंड्स फॉर वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, बट होल ऑफ द मनी दैट द इमरान खान गेट्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज इज बीइंग यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान की तमाम साजिश उस दर्द का नतीजा है जो चार युद्धों के मैदान में भारत के हाथों उसे पराजय मिली। ये दर्द ज्यादा तब और बढ़ गया जब भारतीय सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को कश्मीर से खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। मेजर बंसल, आपको बहुत ज्यादा अनुभव है ये देखने में कि कैसे पाकिस्तान का ये पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी चलता है, कहां से कंट्रोल होता है, ये पैसा किधर से आता है, प्लानिंग कैसे होती है? पद्मजा, आईएसआई की जो प्रोपेगेंडा सेल है वो पूरे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में सबसे बड़ी सेल है, सबसे ज्यादा लोग उसमें काम करते हैं। और ये दो तरह का प्रोपेगेंडा करता है, एक तो इंटरनल प्रोपेगेंडा जो कि पाकिस्तान के अंदर ये लोग क्रिएट करते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं, और दूसरा प्रोपेगेंडा जो बाहर क्रिएट करते हैं। जहां तक फंडिंग की बात आती है तो इसको मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अप्रैल 2020 में पाकिस्तान ने अमेरिका की एक फर्म को, लॉबिंग फर्म को हायर किया। फर्म का नाम था लिंडन स्ट्रेटजीज और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो $500 मिलियन एनुअल का था। $500 मिलियन एनुअल, पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क के लिए $500 मिलियन बहुत बड़ी रकम है। और ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल 2021 में एक साल के लिए और रिन्यू किया गया। इसके अलावा 10 और फर्में हैं जिनको पाकिस्तान ने हायर किया हुआ है और जिनको पाकिस्तान लगभग $35,000 पर मंथ से लेकर के $200,000 पर मंथ तक देता है। मेरे पास इनकी पूरी लिस्ट है। एक है ब्राउन लॉयड जेम्स जो कि चाइना का भी प्रोपेगेंडा करती है, उसने आतंकवादी गुटों का भी प्रोपेगेंडा किया है और एक टाइम में मुअम्मर गद्दाफी का भी प्रोपेगेंडा करती थी। एक है फेंटन कम्युनिकेशंस, हॉलैंड एंड नाइट्स। हॉलैंड एंड नाइट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने 2019 में
एक अमेरिकन कांग्रेसमैन को पैसे दिए थे जिन्होंने यूएस सीनेट में एक रेजोल्यूशन कश्मीर के ऊपर पेश किया था और ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा जाहिर हुआ था जी। एक ग्रीनियर कंसल्टिंग ग्रुप है, एक आर्टो ग्रुप है, एक लॉक लॉर्ड स्ट्रेटजीज है, एक अल्बरन ग्रेनियर है, एक नॉर्टन रोज फुलब्राइट है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे लॉबिस्ट, इनका काम केवल यही है पाकिस्तान से पैसे लेना और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पूरे विश्व में फैलाना। तो यानी कि ये एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह काम करती है, जहां पर जैसे कि एक कॉर्पोरेट कंपनी काम करती है वैसे पाकिस्तान की सेना काम करती है कि आप एक फर्म को हायर कीजिए, उसको पैसा दीजिए, अपना सच्चा झूठा जो भी है बुलवाइए लोगों से। जी हाँ पद्मजा, मैं कहना चाहूंगा ये फर्म काम क्या करती है। अब जिस प्रकार से ये लोग प्लान कर रहे हैं 27 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाने के लिए, तो इन फर्मों का काम होगा कुछ लोगों को लाना जो कि या तो न्यूट्रल हो या ऐसे लोग हों जो कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट रखते हैं, उनसे एग्रेसिव स्टेटमेंट दिलवाना और उनके स्टेटमेंट्स को ट्विस्ट करके पाकिस्तान की मीडिया में, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से पेश करना जी। पाकिस्तान के अंदर जो एजेंसी चलती है उसके बारे में एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। 2020 में एक बड़ा खुलासा हुआ था जी। एक पाकिस्तानी पीआर कंपनी थी जिसका नाम था अल्फा प्रो। अल्फा प्रो को जब चेक किया गया, पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने इसका खुलासा किया, तो उन्होंने पता लगाया कि अल्फा प्रो लगभग 1000 से ज्यादा फेसबुक अकाउंट और लगभग 4 से 5 हजार ट्विटर अकाउंट चलाती थी जो कि पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित होते थे जी। और ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स करती थी और ये जो ट्विटर अकाउंट थे ये पाकिस्तानियों के नाम से नहीं थे, ये हिंदू नाम से, सिख नाम से, इंग्लिश ब्रिटिश नाम से और इस तरह के मिसलीडिंग नामों से थे। बेहद दिलचस्प है कि आप ये बात बता रहे हैं क्योंकि ये वही मोडस ऑपरेंडाई है जो कि एक तरह से मोहम्मद शमी को उनके ऊपर जो हमला किया गया है उसमें भी यही मोडस ऑपरेंडाई का इस्तेमाल किया गया था कि किसी नाम से हैंडल बनाए गए और फिर उनको इक्का दुक्का लोगों ने इस तरीके से गाली दी और फिर एक ऐसा तस्वीर बनाई गई जैसे भारत में कोई भी खिलाड़ी जो कि मुसलमान है वो सुरक्षित नहीं है। मेजर अमित बंसल, इस तरीके से पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए और जिस तरीके से प्रोपेगेंडा मशीन काम करती है उसको उजागर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो गया इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। क्रिकेट से लेके आम आदमी को धमकाने तक पाकिस्तान की टूलकिट किस तरीके से काम करती है, आइए अब वो दिखाते हैं हम आपको। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर लगभग 30 महीने बाद कोई क्रिकेट मैच खेला गया। पहली बार किसी भी वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान ने भारत को हराया। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने सादगी से जश्न मनाया तो टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने उन्हें खुले दिल से बधाई भी दी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस मैच के बाद भारत में हिंदू मुसलमान करवाने की कैसे एक साजिश रची गई, पाकिस्तान ने एजेंडे के तहत कैसे प्लान बनाया जिसमें उनकी मीडिया, पूर्व खिलाड़ी और ट्रोल्स ने मदद की, देखिए ये रिपोर्ट। ना मोहम्मद शमी की खेल की एबिलिटी पर, ना उनकी देशभक्ति पर किसी को भी शक है और इस तरीके से उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चलाना बेहद शर्मनाक। आज के धाकर एक्सक्लूसिव में बस इतना ही, कल होगी फिर से मुलाकात प्रत्येक देखकर।